पहली बार चाय बन रही है नए होम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले एक बिग वाला सॉरी क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी ये वीडियो बनाने में, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी क्योंकि फरवरी में हमने ये हॉब और चिमनी ख़रीदा था और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाला था शॉप विज़िट और हमारा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको लेके, और आप लोगों ने वो वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और इसलिए मैंने सोचा कि जब भी ये हॉब और चिमनी इंस्टॉल होगा आपके साथ, सबसे पहले मैं शेयर करूँगी इसका जो इंस्टॉलेशन है, इसका जो अनबॉक्सिंग है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी अभी हमारा ये हॉब और चिमनी लगा है, तो ये लीजिए, आपके लिए बना लिया मैंने एक वीडियो। और आप लोगों को अगर ये हॉब चिमनी इंस्टॉलेशन देखना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होगा और कैसे कैसे ये डिटेल में इंस्टॉल होता है वो अगर आपको देखना है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आइए इन्जॉय कीजिए वीडियो को। और एलिका हॉब एंड चिमनी स्टोर विज़िट अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चेक कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। तो ये देखिए मेरा पहला जो है चिमनी का अनबॉक्सिंग हुआ है और वो लोग चेक कर रहे हैं चिमनी मेरा ठीक है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो ऐसे ही रैंडम एक प्लग में लगा के वो लोग चेक कर रहे हैं। चिमनी हमने सिलेक्ट किया है वर्लपूल और इसका जो मॉडल है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये कौन सा मॉडल है आपको अगर चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। ये मॉडल हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो किचन का सेटअप है उसके साथ ये वाला मॉडल बहुत अच्छा जा रहा था, तो हमने ये वाला सिलेक्ट किया। एक्चुअली हमारा इंटीरियर का काम चल रहा था इतने महीनों से, तो हमने सोचा कि जब ये इंटीरियर का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हम हॉब और चिमनी को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ग्लास का है और किसी भी तरह का अगर कोई क्रैक आ जाता है तो बहुत ही हम परेशान हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है हम बाद में ही करते हैं। तो यही वाला दिन हमने सिलेक्ट किया अभी। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग होल करते हैं, थोड़ा सा ड्रिल करके दो स्क्रू लगा देते हैं अच्छा सा, तो उसके ऊपर ही चिमनी को हैंग करता है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है चिमनी को हैंग करने का, तो बस यही है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो कुकटॉप है उसके साथ हॉब का डिस्टेंस कितना है, या फिर आप हॉब लगा रहे हो तो उसके साथ चिमनी का डिस्टेंस कितना है, ये सही मेजरमेंट वो लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज चिमनी का जो सक्शन पावर है वो ठीक से नहीं होता है। तो बस लग गया मेरा चिमनी और इन लोगों ने कर दिया ऑन मेरी चिमनी को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है चिमनी। और इसका जो लाइट है ये भी वार्म है, मुझे बहुत पसंद है वार्म लाइट्स। और अभी चल रहा है बाहर का जो आउटलेट वाला पोर्शन है वो फिक्सिंग का काम। आउटलेट वाला ये जो पाइप है ये दो तरह की आती है, एक है प्लास्टिक का और एक एल्युमिनियम का, हमने एल्युमिनियम का लिया है। और उसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें हम कैप लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कैप नहीं लगाते हैं लेकिन लगाना ज़रूरी है क्योंकि बाहर चिड़िया का घोंसला बन सकता है उसके अंदर, तो इसके लिए हमने लगा दिया है। और अच्छे से सेलो टेप से वो लोग इसको फिक्स कर रहे हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ये कभी ना कभी खुल सकता है। और चिमनी का ये जो डक्ट है ये थोड़ा सा लंबा था और हमारे किचन के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बोला था इसको मेजरमेंट लेके कट करने के लिए 250 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन इन लोगों ने ये अच्छे से कट कर दिया था और देखने में अभी अच्छा लग रहा है। देखिए एकदम बिल्कुल मेजरमेंट लेके इन्होंने काटा है और बिल्कुल फिक्स हो गया है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी चिमनी का जो ऑयल कलेक्टर वाला पोर्शन है वो स्टील का जो प्लेट आता है ये 3 प्लेट इन्होंने फिक्स कर दिया, बस और कुछ नहीं है, चिमनी ऐसा ही है, एज सिंपल है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना है मेरा चिमनी कैसा है। और अब हो रहा है हॉब का इंस्टॉलेशन, ये पहली बार अनबॉक्सिंग हो रहा है हमारा हॉब। पहली बार हमने जब ख़रीदा था फरवरी में तभी हमने देखा था, उसके बाद अब देखेंगे आपके साथ। तो इसका भी मॉडल स्क्रीन में आप देख सकते हो, अगर आपको ये वाला मॉडल चाहिए तो आप ये वाला मॉडल चेक कर सकते हो। वैसे तो यूज़ करने के बाद रिव्यू मैं दूंगी ये कैसा है,
वैसे मैंने तो रिव्यू ले लिया है, क्योंकि मेरी जो नेबर आंटी है वो 7-8 साल से ही वर्लपूल का हॉब यूज़ करती है, और उन्होंने मुझे बोला ये बहुत ही अच्छा है। और दुकान में जाने के बाद उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, बोला कि ऐसा सच कुछ डिफरेंस तो है नहीं एलिका और वर्लपूल में, बाकी वर्लपूल बहुत अच्छा चल रहा है, और वर्लपूल का जो ग्लास का थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरे कंपनी से। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, एलिका ने वर्लपूल को टेक ओवर कर लिया है, अभी दो कंपनी मर्ज है, तो अगर आपको वर्लपूल ख़रीदना है तो आपको एलिका के शॉप में ही जाना पड़ेगा। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि हॉब लगाने के बाद कैसा लगेगा, हॉब कैसे लगता है, या आपके साथ साथ मैं भी, अगर आप बहुत पहले देख चुके हो तो इट्स ओके, और मेरे लिए तो पहली बार है, मैं पहली बार देख रही हूँ हॉब कैसे लगाते हैं। तो मैंने सोचा अगर आप में से किसी को ऐसे हॉब लगाना है तो आप डिटेल में देख सकते हो वीडियो के थ्रू। और हमारा जो सिलेंडर है वो यूटिलिटी एरिया में है, हमने किचन में नहीं रखा है, और इस गैस का जो पाइप है वो अंदर वॉल को कट करके उसके अंदर से वो पाइप गया है। अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डिटेल में बता दूंगी। और ये देखिए एकदम हॉब से निकल के ये वाला जो हमारा गैस लाइन का जो पाइप है वहाँ पर ये पाइप फिक्स हो रहा है हॉब के साथ, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है पाइप। एक्चुअली अगर आपका जो सिलेंडर है वो अगर किचन में है उसके लिए तो सही है, लेकिन हमारा जैसे कि पाइप इतना लंबा नहीं चाहिए, तो इन लोगों ने वो पाइप को कट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया था। इससे क्या है ना, हमारा जो नीचे टैंडम बॉक्स है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये अब आप देख सकते हो कैसे फिक्स हुआ है, नीचे बिल्कुल नीट है, एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है। ऊपर ये देखिए हॉब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन फिक्स करने से पहले हॉब के ऊपर जो बर्नर्स है उसके नीचे का जो ये स्टिकर वगैरह है वो लोग हटा देंगे। मुझे तो लगता है अगर आप भी मेरी तरह पहली बार हॉब लगा रहे हो तो आप भी यूट्यूब में सर्च करोगे कि कैसे हॉब फिक्स होता है, तो मैंने भी सर्च किया था, लेकिन इतनी डिटेल में इतनी आराम से कुछ किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा। तो मैंने सोचा अगर जब मेरा हॉब लगेगा, मेरा चिमनी लगेगा, तो मैंने इसको वीडियो करना है और बहुत ही धीरे धीरे सबको समझाना है कि कैसे लगा है। आप भी देख लो, आप भी समझ लो, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे रखे जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। बस फाइनली मेरा हॉब सच गया है, अभी ये बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मेंटेनेंस में बहुत मेहनत लगने वाली है। मेहनत नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रखना पड़ेगा कि जब खाना बनाओगे, खाना बनाने के बाद तुरंत एकदम से हॉब को क्लीन बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। एकदम जैसे कि हम लोग स्टील का कुकटॉप यूज़ करते हैं, एकदम खाना बन गया हमने झटपट से उसको साफ़ कर लिया, लेकिन हॉब के साथ ये नहीं होगा। खाना बनाने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको क्लीन करना। ये चीज़ उन्होंने बार बार हमें समझाया है, और मुझे भी ये चीज़ दिमाग में रखना है, याद रखना है, और इसी को कंटिन्यू करना है। तो देर किस बात की है, आइए अब सुन लेते हैं हॉब और चिमनी दोनों का डेमोंस्ट्रेशन। The thing on here, you have to press on this first one. Mm-hmm. Then you can start with the first three. First three, second, third. This first three and this second three. If you have so much of smoke or anything, means use it in third speed. This is fourth speed. It will be in fourth speed for 1.5 minutes or 2 minutes. Then automatically it will come to 3 minutes. Fourth speed only. Then in manually you can use it, everything will come. When you do manually only, you get it off, otherwise it doesn't off. Light also this. Haan, or agar fish, non-fish, that time you can use it on 2 speed or 3 speed.
Then wash it, put Vim or anything. Don't put steel one. If you put steel, it gets scratches. Put green, green stuff, scratch bed is there. You put it and wash it and dry it and fix it. Okay. While fixing also, you have to do like this. Let me do it once. Like this. Mm-hmm. Square. Pull karna. Yes. Idhar oil collect nahi hota na, idhar? There also it will come. If you are not doing service, like time currently 6 months once, or you are doing after 1.5 months, means oil will be leaking over here. If you are doing correctly 6 months once service, madam, you do it for 2 months once. 2 months. You are using more, madam. Yeah. Then you do 1.5 months or 2 months. 6 months once you will come and do it. For 2 months. This one 2 months once you can wash by yourself by using. From our service center, they will come and do inside motor oil. Achha, yeah. Do we need to put any detergent, soda water or something like that? That we don't do, sir. No need to put that. No. After first service, no, the technician will teach you how to do. No, after first service. After first service, the technician will come and teach you how to. So first service is free or? It will be chargeable, sir. It will be chargeable. Repair, it will be free for 1 year. I need to call and book? Or today you can book from it? From company also, they will call for you. Okay. They will call? From today to 6 months later, they'll call. They'll call, no? For the first service. Yeah. Okay. Not for the first service, every six months, they'll call. Okay. 6 months mein kya karna hai, wo mujhe kam jaate hai. Nahi, ye karna hai. Tum log. Nothing else. 2 months ko ek bar ye karna hai. Tumhara haath se. Garam pani mein dip karna hai. Haan. So, it can hot. Ek panna mein. So much hot, medium hot. Medium hot. Then watch it. Put Vim or anything, then wash it and dry it and fix it. Fix it. That all you don't do. Okay. That is little delicate, little more. Delicate, yes. So much. 6 months once after technician comes, no? They will do. Then they'll teach you how to do it. Okay. Okay.
Every four of them, it will be sparkling. Like normal as lighter, you use, no? Same with it. When it is sparkling, then you have to leave the gas. Then the flame comes. Oh. If you leave the sparkling and release means? Just one question. Gas, it will be releasing. One question here. Yeah. You are pressing this now, but sparkling is there? Yes. Yeah. For all of them, it will sparkle. For all the four. Oh, all will. Yes. One if you press now, every four of them will get sparkling. Oh, okay. Okay. But till the flame comes, you will be pressing, sir. After flame comes, you release it. See. If you release it, then it is okay. Once you press inside, you have to not leave it. At that only you have to turn. If you leave it and turn, the gas will be released. You have to off it fully. If you leave it here, gas will be releasing. You have to do full. Okay. Don't, so this is the off position, right? Is the okay. Let's one. You do one. Yes. Okay. Slim full. Full. Slim. Oh. Medium. No need to press now. Only while laughing it, no need to press it down. Just turn towards right fully. If you want to off it, just like this, towards the end, that's all. So only during ignition you need to press down. Yes. And then you release it once the flame is there. Yes. Then you just use like a knob. Yes. Like radio knob. Achha, okay. While turning it off, no need to press it inside. Just turn towards the end. Yeah, okay. No need to press. Yeah. That's okay. Flame comes means no need to press. Acha. Medium flame, low flame. Full. You can do it full. Yes. Oh. This what is full? Full means this much. That much. No, this is not full. This is the first. This is very slim, low. Slim. This very this low. Is the. Is low flame means what? This is for one only for this the full. Center end will come. This one is the full. Okay. Right. If you want off it, just turn towards the right side. And then to the end. Off. Yes. And then if you want to. Release the gas. You have to release. Okay. If you do here now, it doesn't come somewhere. Okay. Gas it doesn't release. Have to press and release. Okay. Slim? No need to use it like you are afraid for something or anything. Use it as usual, normally. Okay. Lighter also you can use, matchbox also. Look like this. That's all. See here. This on it? Turn. Good night. Medium. Okay. Yes. This is full. Right? It is half. This is full. This is low. Yes, that's all. And this then, single burner. Single burner. And then this is off. Chai, while laughing it, you have to check it once. It should go towards the end. Yeah. If you leave it in center, the gas will be released. Yes. You don't put your steel or if it is overheated, no, madam. You have cooked it. Now the burner is very high, no? Don't put cold warm water on this burner. Okay. If you put means, it will get shape. After 10 minutes? Changed. Okay. You shouldn't do anything like that. So once the cooking is done, we need to leave like this. Maybe after half an hour, when it is all, cool down. Then we need to clean it, right? That time we can. Not immediately after. No, sir. This burner you have used it for half an hour.
After half an hour, it is very heat, no? Like by missing, don't put warm water or anything. On top of this. Okay. It will get shape change or anything. Understood. One question, just last question. How to open it and clean it. Just open and then put it back. It's burner. Yeah, burner. It's a heated already. It will get heat. This is the only small one. Here it is there, no, sir. This is not. This should be sitting over here. Okay. If you turn, no, it shouldn't rotate. If it is rotated, it means it doesn't sit. And what is this? That is all the same thing. That it you is. Can fit for that also. Oh, here also yes, you can. Yes. No, there you cannot fit it. Cannot. Only here you can fit it. Because why it changes? Okay. This jet is here too. And do I need to clean anything there? There you can clean, sir. Two months once you do that and all. Don't remove screw inside. Okay. That's understood. Should be fit. That locked. Basically, it should be locked. Finally, हमारा hob लग गया है. इतने महीनों से हम इंतजार कर रहे थे तो अब जाके लगा है. आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको दिखाने के लिए आपको. अभी भी इसको ऑन नहीं किया है, इसमें कुछ बनाया भी नहीं अभी तक. कुछ मीठा बनाना पड़ता है. वैसे तो पूजा जिस दिन हुआ था हमारा, उस दिन हमने इंडक्शन पर खीर बनाया था, लेकिन आज ये नए वाले गैस स्टोव पर कुछ तो मीठा बनाना पड़ेगा. कुछ मैं चाय बनाऊंगी. और ये मेरा चिमनी भी लग गया, लेकिन मैं अभी आपको इसका फुल व्यू नहीं दूंगी. ये है किचन का फुल व्यू, मैं अभी नहीं दूंगी. पहले मैं इसको थोड़ा सा सजाऊंगी, फिर उसके बाद आप बस इसी का नज़ारा देख लो. पहली बार चाय बन रही है नए होम में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. कुछ मीठा बनाना पड़ता है और मेरे पास और कुछ है भी नहीं. ओनली ये चाय बनाने के लिए कुछ सामान था, तो मैंने सोचा चाय ही बना लेती हूँ. बाद में अच्छा अच्छा खाना बनेगा, आपके साथ शेयर करूँगी. अभी फिलहाल ये चाय.